सम्मेलन की हम शुरुआत कर रहे हैं, पहले हम बाकी कवियों को भी इनवाइट करेंगे। डॉक्टर निर्मल दर्शन लखनऊ से हमारे बीच हैं, मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। दोनों कवियों का शोर थमना नहीं चाहिए। हमारे साथ ग्वालियर से तेज नारायण शर्मा जुड़ रहे हैं, मंच पर जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। भोपाल से हमारे साथ मदन मोहन समर जुड़ रहे हैं, इनकी कविताएं भी आपको आजमा देंगी। दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर सरिता शर्मा जुड़ रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों का फ्लेवर भी यहाँ जुड़ेगा। सरिता जी, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, तालियां आती रहनी चाहिए। और हमारे साथ मनोज मुंतशिर साहब भी मंच पर अब पहुंच रहे हैं। रश के कमर आज कौन कौन सुनना चाहता है? और अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी उन्हें जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है, एक ऐसा कवि जो राजनीति में भी है, और राजनीति में क्योंकि कविताएं आ जाती हैं, सच्ची बातें कह जाते हैं, उन सच्ची बातों से लोग आहत हो जाते हैं, तो आज कविता में क्या वो दर्द भी झलकेगा, हम ये भी देखेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुमार विश्वास का। आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। कुमार, आप पिछले साल भी हमारे साथ साहित्य आज तक में जुड़े थे, और उस वक्त जो समा आपने बांधा था, और इस वक्त जो ये जोश और उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है, जिस चरम पर है, अभी सूर्जा को यहाँ से आपको ही आगे बढ़ाना है, तो इस सेशन की अब जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 15 साल पहले ये सपना था कि हिंदी के लिए इतनी सारी जनता, इतने सारे जवान लोग, जब हिंदी मीडियम होना अपने आप में एक अजीब सी बात कहलाता था, आज ये अपने आप में हिंदी की एक रॉक कंसर्ट जैसी है। सारे जवान यहाँ पर हैं, समय की सीमा है, और जो कार्यक्रम है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार पहले से ही लेट है, तो मैं उसे समय पर बांधते हुए 4 पंक्तियों में आप सबसे शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि ये भाषा जिसके कारण हम यहाँ पर हैं, जिस हिंदी के कारण हम यहाँ पर हैं, आप सारी जबानें बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, फ्रेंच बोलिए, स्पेनिश बोलिए, लेकिन हिंदी से इश्क करिए, उर्दू से इश्क करिए, क्योंकि हमारे देश में जब आदमी इकोनॉमिक्स की बात करता है तो अंग्रेजी में बोलता है, अपने को GDP आज तक समझ में नहीं आ रही, बहुतों की समझ में नहीं आ रही, जब राजनीति की बात करता है तो बहुधा हिंदी में बोलता है, और जब मोहब्बत की बात करता है तो उर्दू में बोलता है। तो जहां जाइए, दुनिया के जिस हिस्से में पहुंचिए, एक दूसरे के साथ मिलिए तो हिंदी बोलिए, अन्यथा थोड़ी लोकप्रियता, थोड़ा पैसा, थोड़ा सा अहंकार इकट्ठा हो जाए तो हिंदी को सौतेली मां समझकर लोग साइड कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। आप बिजनेस क्लास में चलिए, जो पहला पड़ोसी मिलता है, बंबई से सीधी फ्लाइट दिल्ली की होती है, और आपसे पूछता है, वेल, बॉम्बे जा रहे हैं? मैं उससे कहता हूं, नहीं, अलवर कूदूंगा छाता लेके। यू मस्ट बी जोकिंग, मैंने कहा शुरू तो तुमने करा था। तो दुनिया में जहां भी जाए हिंदी बोलिएगा, अंग्रेजी अच्छी जबान है, बोलना सीख लीजिएगा, अंग्रेजी अच्छी हो सकती है पर हिंदी से बेहतर नहीं हो सकती मेरे लिए, क्योंकि वहीदा रहमान जी कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकते। तो इस मंच पर हिंदी कवि सम्मेलनों के वो कवि हैं, हिंदी में कविता की 2 धाराएं हैं, एक पत्र पत्रिकाओं में छपती है जिसको मुख्य धारा कहा जाता है उनकी ओर से, एक ये कवि सम्मेलन के कवि हैं जो ये स्वयं को मुख्य धारा का कवि कहते हैं, क्योंकि ये जन चेतना को परिभाषित करते हैं। लखनऊ से, अभी तो लखनऊ से आया है ये, हो सकता है कि 2-4 महीने बाद लक्ष्मणपुरी नाम हो जाए, क्योंकि आजकल नाम ही बदला जा रहा है, काम तो वही चल रहा है जो है। तो ये लखनऊ से आए हैं निर्मल दर्शन, डॉक्टर निर्मल दर्शन नवगीत के कवि हैं, इनका तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। डॉक्टर सरिता शर्मा स्त्री विमर्श की कवियत्री हैं, हिंदी में PhD हैं और पूरी दुनिया में कविताएं सुनाती हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। ये मंच के बीच में अर्ध गंजत्व को प्राप्त
ये तेज नारायण बेचैन हैं जो ग्वालियर से आए हैं, तानसेन के शहर से आए हैं, चंबल से आए हैं और दिल्ली में आकर बड़ा अपना अपना सा लग रहा है, क्योंकि चंबल में भी वही काम होता रहा है जो दिल्ली में आजकल होता है। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करिएगा। मदन मोहन समर, ये मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी हैं लेकिन वीर रस के बड़े अद्भुत कवि हैं। वीर रस मतलब आपके अंदर चेतना जागृत करने वाली कविता, आपको देश का राग सुनाएंगे, देश की कविताएं सुनाएंगे। एक बार उनका तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और मनोज मुंतशिर, जिसे आप सब जानते हैं, बाहुबली का करिश्मा इन्होंने करके दिखाया, वो शानदार फिल्म लिखी बाहुबली, और एक ऐसा गाना जिसमें लोग बाग मर्सिडीज में भी नाचे रश के कमर और अपने घरों में भी नाच रहे हैं, वो उन्होंने लिखा। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। माया नगरी से आया है इसलिए कवि सम्मेलन में भी चश्मा नहीं उतार पा रहा है। हिंदी अभी इतनी मॉड भी नहीं हुई है कि तुम्हारा ह्यूगो बॉस स्वीकार कर ले, अभी तो हम तक आते आते हिंदी ठिटकी हुई है। मेरा नाम कुमार विश्वास है और मेरा नाम कवि कुमार विश्वास है, क्योंकि चैनल का प्रोग्राम है तो इसमें से हेडलाइन भी निकल सकती है। आप सबको बहुत बहुत आभार और इंडिया टुडे ग्रुप को, इस समूह को, इस बात के लिए बहुत बहुत हिंदी की ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद कि 17 साल बाद इंडिया टुडे ने अपनी हिंदी वार्षिकी प्रकाशित की है। जितने लोग यहाँ कविता सुनने आए हैं, समारोह के अंश सुनने आए हैं, वे सब इंडिया टुडे की वार्षिकी भी जरूर लेकर जाएं और हिंदी को थोड़ा समृद्ध करें, बड़ी करें। दो जबानें जिंदा रहती हैं, दो भाषाएं जिंदा रहती हैं, या तो ज्ञान की हो या व्यापार की हो। व्यापार तो पता नहीं हिंदी में कब तक शुरू होता रहेगा, लेकिन ये ज्ञान की भाषा अवश्य है, तो वार्षिकी जरूर खरीदें। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं मां सरस्वती का स्तवन करते हुए, और पहली बार किसी चैनल के कार्यक्रम में वो हैं, और ऐसे चैनल के जो देश में नंबर वन चैनल है, जहां करोड़ों लोग देखते हैं समारोह को। मैं कई बार, मुझे आज तक आके ऐसा लगता है कि आपने नौकरी पे तो नहीं रख लिया है, जो काम हमको करना चाहिए था वो मुझसे करवाते हैं। लेकिन चलिए, क्योंकि घर जैसा है, मैं डॉक्टर निर्मल दर्शन को आमंत्रित कर रहा हूं, जो गीत का एक बहुत अद्भुत स्वर है। गीत को प्राण से सुनिएगा, मन से सुनिएगा। देखिए, ये हमारे मोबाइल का युग है, चिट्ठियां खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं कस्बे से हूं, मुझे याद है कि बर्नौली की इक्वेशन का मतलब हवा का दबाव बढ़ना नहीं है। गली में किसी के दुपट्टे का मेरी आंखों के पास से गुजर जाना बर्नौली हुआ करता है। उदय प्रताप जी ने कहा है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या खबर, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो कविताएं जब प्रेम पत्रों का विषय बन जाएं, तब वे बड़ी हो जाती हैं। ऐसी पुकार का एक कवि और प्रेम का एक बहुत बढ़िया कवि बद्रीनारायण मेरे सामने बैठे हैं, उनकी प्रेम पत्र कविता मुझे बड़ी प्रिय रही है। शुरुआती दौर में हम साथ लिखते पढ़ते रहे हैं और एक गैलेक्सी है सामने सुनने वालों की, हम आप सबको भी प्रणाम करते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले कवि के लिए मंच भी और आखिरी आदमी भी, दूर तक युवाओं का समूह है, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और मेरे लिए गौरव की बात है कि साहित्य आज तक इस मंच से मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने का अवसर पा रहा हूँ, मंच का आदेश और सब जी। एक मांझी गीत, 4-5 मिनट का गीत, समय की सीमा है, छोटा सा प्यारा सा गीत आपको समर्पित। स्वागत है निर्मल। जो तुम भी करते मुझसे प्यार, आहा, जो तुम भी करते मुझसे प्यार, तुम मांझी गीतों को गाते, तुम मांझी गीतों को गाते, मैं खेता पतवार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार। बन सुनिए। स्वप्न हमारे आज नहीं तो कल पूरे हो जाते, स्वप्न हमारे आज नहीं तो कल पूरे हो जाते, आशाओं का महल कभी तो हम तामीर कराते, हम तामीर कराते,
तुम होते तो स्वर्ग से सुंदर लगता ये संसार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार, मैं भी अकेला तुम भी अकेले राह कठिन जीवन की, मैं भी अकेला तुम भी अकेले राह कठिन जीवन की, और व्यथा भी एक ही जैसी हम दोनों के मन की, हम दोनों के मन की, अधूरों पर आने को आतुर, अधूरों पर आने को आतुर, अंतस के उद्गार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार। और ये विशेष रूप से चरण, इस चरण का अंतिम पंक्ति पर विशेष ध्यान चाहता हूँ। याद तुम्हें भी आती होंगी वो मधुपूरित रातें, याद तुम्हें भी आती होंगी वो मधुपूरित रातें, बिना कहे ही हो जाती थी कितनी सारी बातें, कितनी सारी बातें, क्यों होता उस सुख में युग का, क्यों होता उस सुख में युग का अर्थ रहित व्यापार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार। और अंतिम चरण, एकाकी जीवन क्या देगा कुछ सोचो तो निर्मल, एकाकी जीवन क्या देगा कुछ सोचो तो निर्मल, गरजे लेकिन बरस न पाए नीर बिना ये बादल, नीर बिना ये बादल, मैं बैठा हूँ तुम भी आओ, मैं बैठा हूँ तुम भी आओ, पुनर्मिलन के द्वार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार। तुम मांझी गीतों को गाते, तुम मांझी गीतों को गाते, तुम मांझी गीतों को गाते, मैं खेता पतवार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार, जो तुम भी करते मुझसे प्यार। वाह, एक बार जोरदार तालियों से निर्मल दर्शन के लिए। ये जिस समय हमारे देश की खबरों में दिल्ली का प्रदूषण चर्चा का विषय है, उस समय साहित्य के इस उत्सव में ये गीत के पराग फैलाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कवि तो लिखता ही रहा था, 20-30 वर्षों से लोग लिख ही रहे थे। गीत की परंपरा जो इतनी दूर से चली है, साम गीतों से चली है, और जो हमारे पास हरिवंश राय बच्चन जी से होती हुई, पद्मश्री गोपालदास नीरज से होती हुई यहाँ तक आई है, वो बीच में पिछले 20 वर्षों में सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन दिल्ली के बैठे हुए लुटियंस के लोग गवाह हों इस बात के, दिल्ली का जो एलीट है जो चर्चा करता है कि कविता कहाँ गई, साहित्य कहाँ गया, वो इस बात का गवाह हो कि हजारों हजार लोगों ने नवगीत सुना है, युवाओं ने कविता सुनी है, और गीतकार को अपनी तालियां बजाकर शुभकामना दी है, उसे आशीर्वाद दिया है कि वो लिखता रहे। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ वो व्यंजना का कवि है, इशारे से बात करता है, और आजकल तो वैसे भी बहुत मुश्किल है सीधे सीधे बोलना, क्योंकि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मुस्कुराहट बड़ा मुश्किल काम है इन दिनों, हंसना बड़ा मुश्किल काम है इन दिनों, क्योंकि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो कवि जो बोले आप उसकी व्यंजना ऐसे ही समझें। आपातकाल के दौरान हमारे कवि थे माणिक वर्मा, उन्होंने कवि सम्मेलन में कविता पढ़ दी, 20,000 आदमी थे, कि सरकार चोर है।
सुबह दरोगा जी उन्होंने पकड़ लिया, बोले अच्छा बेटा सामने 20,000 आदमी और सरकार को चोर कह रहे थे, तो उन्होंने बात बनाई, बोले साहब मैंने ये कब कहा कि भारत की सरकार चोर है कि किसी और देश की सरकार चोर है। तो दरोगा जी बोले जैसे हम जानते ही नहीं हो कहां की सरकार चोर है। तो कवि जो कहना चाहता है उसको आप समझिए वो क्या कहेगा। इसलिए मैं एक ऐसे कवि को आपसे मिलवा रहा हूं जिसकी बेचैनी व्यंग की भाषा में परिवर्तित हो गई है। व्यंग पहुंच जाए तो आपकी तालियां और आपकी वाहवाह उसे मिले। एक बार जोरदार तालियों के साथ ग्वालियर से हमारे बीच आए हुए तेज नारायण बेचैन का स्वागत कीजिएगा। जोरदार तालियां बजाइए तेज नारायण। आइए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कविता पाठ के क्रम में हूं, व्यंग की भाषा का कवि हूं मैं। देश में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगा, तब व्यंग पैदा हुआ। व्यंग के लिए हमें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा देश काफी है। अभी मैं होटल में था, दिन भर चैनल सुन रहा था, एक खबर मुख्य रूप से चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार के कामों की प्रशंसा की कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये सरकारी काम के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्या थी, जबकि अपने पास डोनाल्ड ट्रंप हैं। बस ये है व्यंग की भाषा, यहां से पकड़ के आप मेरे साथ जुड़ना। समय कम है, समय की अपनी पाबंदी है, और ये बताने के लिए भी समय की पाबंदी है कि पाबंदी है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के सर्वाधिक बुद्धिजीवी लोगों के बीच में खड़ा हूं, मुख्य धारा के बड़े चैनल के स्टेज पर खड़ा हूं। आज मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या भाषा होनी चाहिए? लाल किला हर साल एक भाषण देता है, 70 साल हो गए हमें उस भाषण को सुनते सुनते। हमारा दुर्भाग्य है कि भाषण वही का वही रहता है, सिर्फ लोग बदलते जाते हैं। और ये इस लोकतंत्र का भी दुर्भाग्य है, अग्रिम पंक्ति में महनीय लोग बैठे हैं, सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। बस यहां से सुनिएगा, मोहब्बत देना, आपकी मोहब्बतें चाहता हूं। कुमार विश्वास को सुनने आप लोग बैठे हुए हैं, ये इधर का मोहल्ला इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने बैठा। बस पहली पंक्ति से पकड़कर बताना मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं। आप ये भाषणों का बोझ, आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? हाय हाय, वाह वाह, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी, आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपकी अचकन पर लगा ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। वाह, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर, आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किस किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। अरे आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। इस पर खड़े होकर 70 साल की राजनीति को गा रहा हूं दोस्तों, इशारों में। मेरे इशारे को समझ जाओ तो मेरा समर्थन करना। स्वागत है।
इस पर खड़े होकर आप राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को घसीट रहे हैं। हम 70 सालों से अपना माथा पीट रहे हैं। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी वो अभी तक नहीं आई है। अच्छा याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। बहुत अच्छे, वाह वाह। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। वाह, आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। हम पर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। अब बात है और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर, अगर आप भगीरथ हो तो अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम 70 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम 70 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। हम 70 सालों से प्यासे हैं। सर देसाई जी बैठे हैं, अंजना जी बैठी हैं, तमाम लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के चरित्र को गा रहा हूं दोस्तों, और जिस इशारे से और जिस सलीके से मैंने गा दिया आपकी मोहब्बत चाहता हूं। स्वागत है। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किष्किंधा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। अच्छे, वाह, क्या बात है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। और दोस्तों, अंतिम मंत्र सुनाता हूं, कुमार को समर्पित करता हूं। हिन हिनाने का हुनर बेशक नहीं, वाह, हिन हिनाने का हुनर बेशक नहीं, पर पांव इनके अश्व जैसे ही सधे हैं। वाह, आपकी ही दृष्टि की कुछ बाध्यता है, खूब कहिए फकत नस्ली गधे हैं। अच्छा है, आपकी ही दृष्टि की कुछ बाध्यता है, बाध्यता है, कहिए ये फकत नस्ली गधे हैं। आजकल ये कीमती हैं भद्रजन, आजकल ये कीमती हैं भद्रजन,
और कीमत भी करोड़ों की है। पूंछ बेशक दे रही कुल का पता, पर बदन की जीन तो घोड़ों की है। अच्छा है। और अंतिम पंक्तियां चार आपकी अच्छा तरफ से, फिर मैं विदा लेता हूं। मुझे विदा में तालियां दे देना ताकि मेरा भ्रम बना रहे कि आपने मुझे सुना कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। वाह। जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ, मजलूम को तो टांग दिया सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। बहुत अच्छे, वाह, एक बार जोरदार तालियां तेजनारायण बेचैन के लिए। वाह। उन्होंने कविता सुनाई जिसमें शासन देश, बेशक उन्होंने कविता सुनाई जिसमें बताया गया कि किस तरह से प्रशासन नहर खा जाता है। बहुत पहले हमारे कुनबे के एक तेजाबी स्वर दुष्यंत ने ये बात पहले ही कह दी थी कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, और यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो राज सत्ता के द्वारा भेजे गए पानियों के सबसे बड़े मृत जलाशय दिल्ली में हम पड़ रहे हैं, जहां बहुत सारी नदियां सड़ान मारती हैं, जहां बहुत सारी योजनाएं रुक जाती हैं। आइए, मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो मुंबई में है, बंबई में गीत लिखता है, आप सब उसके गीत सुनते हैं, आईफा वाईफा तमाम तरह के उसको अवार्ड मिल चुके हैं, आपकी तालियां बता रही हैं कि उसके सारे नगमे बहुत पॉपुलर हैं, और लेकिन उसके अलावा उसमें एक अच्छा शायर है और वो मंचों पर पढ़ने से कतराता है। उसको लगता है कि जब फिल्में इतना पैसा देती हैं, इतनी पॉपुलैरिटी देती हैं, तो मंचों पर क्यों आया जाए। लेकिन मेरा सदा से ये मानना है, यहाँ मुख्यधारा के बड़े कवि और कवित्री लोग बैठे हैं, ये जगह वो है जहाँ कभी पहले निराला बैठे थे, ये वो जगह है जहाँ दिनकर बैठे थे, ये वो जगह है जहाँ पंत ने कविताएं सुनाई हैं, और यही वो जगह है जहाँ होती हुई विद्रूपताओं से आहत होकर हाथ में साबरमती का जल लेकर महेशी महादेवी वर्मा ने ये प्रतिज्ञा की वो मंच पर नहीं चढ़ेंगी। अगर घर में अपूज्य चीजें आ गई हैं तो हमारा और आप सबका दायित्व है कि हम कविता से इतर चीजों को मंच से विदा करें और दोबारा कविता को स्थापित करें। तो ऐसे हर कवि को जो कविता लिखता है, जो कविता सुनाना चाहता है और लोकप्रियता के किसी भी पायदान पर है, उसे जनता को अपनी कविताएं जरूर चेक करानी चाहिए, अपनी कॉपी जरूर जचवानी चाहिए। तो ऐसे ही आपकी इस कक्षा में जहां आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, एक और युवक है, एक और स्वर है जो धीमे से आपके भीतर लोकप्रिय हो रहा है। मनोज मुंतशिर यहां पर हैं, उनके साथ दो किस्से हैं। एक तो ये कि वो मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई और बड़े अच्छे कवि हैं, ये खुशी की विषय, लेकिन जब जब मैं उनका बायोडाटा पढ़ता हूं मुझे पता चलता है कि वो अमेठी से हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं खानदान में से इसका नाम कटवा दूं। लेकिन अच्छा लड़का, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत कीजिएगा मनोज मुंतशिर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई, वाकई अगर आप नहीं होते तो मैं पूरी जिंदगी फिल्मों के गाने लिखता रहता, मैं कभी इतनी प्यारी दिल्ली की ऑडियंस से यूं रूबरू, यूं मुखातिब नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई, यहाँ आपने मुझे बुलाया, आज तक का बहुत बहुत शुक्रिया कि साहित्य की दरगाह पे आपने अपने हिस्से का चिराग जलाया। वाह वाह, अच्छी बात है, अच्छी बात। और दिल्ली वालों, सबसे बड़ा शुक्रिया आपका कि ये घना कोहरा और जो धुंध है ये भी आपको यहाँ आने से रोक नहीं पाया। तमाम मेरे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको देखता हूँ तो मुझे बरबस एक ख्याल आता है कि लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे। क्या बात है, लपक के जलते थे बिल्कुल बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। अच्छा है, अच्छा है, शुक्रिया शुक्रिया कि लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी शरारे जैसे थे। मैं कुछ भी पढ़ूं, कुछ भी सुनाऊं, जरूरी है कि मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूं कि जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। आहा, वाह वाह वाह, जैसा बाजार का तकाजा है, जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा, मुफ्त बंटता हूं आज भी मैं तो, मैंने बिकना अभी नहीं सीखा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, शुक्रिया शुक्रिया मंच का आशीर्वाद।
जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा, मुफ्त बढ़ता हूँ आज भी मैं तो, मैंने बिकना अभी नहीं सीखा, एक चेहरा है आज भी मेरा वो भी कमबख्त इतना जिद्दी है, जैसी उम्मीद है जमाने को वैसा दिखना अभी नहीं सीखा। अच्छा है, शुक्रिया। एक चेहरा है आज भी मेरा वो भी कमबख्त इतना जिद्दी है, जैसी उम्मीद है जमाने को वैसा दिखना अभी नहीं सीखा। कुमार भाई ने मुझे हुक्म दिया 10 मिनट बचे हैं सिर्फ और इतने लोग हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। जहां जहां से शेर याद आ रहे हैं मैं आपके साथ बांट रहा हूं कि ये गलत बात है कि लोग यहां रहते हैं। वाह, सुने यहां पर अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। ये गलत बात, दिल्ली में बैठा हूं मैं, दिल्ली में सुना रहा हूं शेर, देखता हूं शेर कहां तक पहुंचता है। ये गलत बात है कि लोग यहां रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। ये गलत बात है कि लोग यहां रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। दोस्तों हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहां रहते हैं। हाय हाय हाय, अच्छा मिश्रा है, वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह। जो कहीं के नहीं रहते, अच्छा, ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। वाह, एक अफवाह फैलाई गई है कुमार भाई इस देश में, जो आपने बहुत हद तक उस अफवाह का खंडन किया है, और वो अफवाह ये है कि जो हमारी नई नस्ल है ये शायरी पोएट्री नहीं समझती। गलत बात है ना ये। देखिए, मैंने बहुत पहले कहीं कहा था कि ख्यालों की जबां लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा। मेरे नौजवान दोस्तों, ख्यालों की जबां लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा, मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा। अच्छा है, अच्छा है, मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा, मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा, तो गजलें कौन समझेगा। यार अगर आप मोहब्बत ना समझते तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में भैंस की पीठ पर एक लड़के ने बैठकर सपना देखा था कि एक दिन वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्मों के लिए गाने लिखेगा, रोमांटिक सॉन्ग्स लिखेगा। अगर आप मोहब्बत ना समझते तो मैं गलियां नहीं लिखता, अगर आप मोहब्बत नहीं समझते मैं तेरे संग यारा नहीं लिखता, अगर आप मोहब्बत नहीं समझते मैं फिर भी तुमको चाहूंगा जैसा गीत मेरी कलम से कभी नहीं निकलता। अच्छा, शुक्रिया। आखिर के 30 सेकंड कुमार भाई का मुझे एक आदेश था, वो मैं पूरा करके यहां से जाऊंगा। हाँ मनोज, एक गजल के लिए इन्होंने मुझे हुक्म दिया था, और ये गजल मेरे नौजवान साथियों, अगर ये गजल कहीं ना कहीं आपको इसमें अपनी अक्कासी मिले, अपनी झलक मिले, अपनी छवि मिले, तो मेरा हौसला जरूर बढ़ा दीजिएगा आप। मैंने जिक्र किया कि मैं किसान का बेटा हूं, बड़े सपने देखे थे। इस गजल की एक खास बात यह भी है कि मैंने कुछ दिनों पहले यहां कहीं पढ़ दी थी और वो हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको ट्वीट कर दिया था। ये किसके लिए है, केजरीवाल जी के लिए, मेरे लिए, ये किसके लिए आप? अब मेरी दिक्कत यह है कि मैं टिप्पणी भी नहीं कर सकता। वाह रे मनोज, वाह। तो खैर हमें तो छोटा भी परेशान कर रहा है और बड़ा भी परेशान कर रहा है। हाँ पढ़ो। खैर, साहित्य आज तक है तो मैं सीधे साहित्य पे आता हूँ। वो 2-3 शेर हैं जो मैं आप के हवाले करके और यहां से जाता हूं कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। अच्छा है, शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों। मैं समझता हूं आप सब इस लाइन से, इस शेर से आपका रिश्ता है कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया। वाह, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। वाह वाह, अच्छा है, शुक्रिया दोस्तों। सर का बहुत टाइम है लेकिन बहुत लोग भी हैं, शुक्रिया सर हौसला अफजाई के लिए। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे,
तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। तलवार पहले टूटी, शुक्रिया, फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची ये इस शेर से बड़ा सियासी इसके पहलू हैं, मैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं दिलाना चाहता, पर कुमार भाई मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी तरफ से, शायद आप मुझे इसके लिए बाद में डांटें भी, फिर भी मैं कह देता हूँ कि तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। वाह अच्छा, वाह अच्छा, वाह वाह। कुमार भाई मैं नजर कर रहा हूँ आपको, मैं ये फील करता हूँ आपके लिए। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। आखिरी शेर दिल्ली के हवाले, कि फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा। वाह क्या बात है, सुनाऊं अगला मिसरा? फिर भी नहीं किया था, फिर भी नहीं किया था हमने। आपको एक बार मैं जोड़ता हूं मतले से, ताकि आप ये आखिरी शेर ध्यान से सुने। मेरा मतलब ये था कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा, दो चार आसमान तो कदमों पे गिर पड़े थे। शुक्रिया। फिर भी नहीं किया था। मुझे एक और की वहां से गुजारिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त की कमी है। अच्छा, अगर आप गलियां की फरमाइश कर रहे हैं तो मेरे लिए एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास। मैं आपको कुछ ऐसा सुनाता हूँ जो आपने सुना है फिर भी नहीं सुना है। आप में से कितने लोगों ने मैं फिर भी तुमको चाहूंगा सुना हुआ है? हाथ उठा दें आप। सभी ने सुना है। आप हाँ, पढ़े 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 जल्दी। पर क्या एक बार और क्या दोस्तों? नहीं, इनको ये इन्हें पता नहीं, इनको आदत है ये। मैं आता हूँ और अब मैं वाकई 30 सेकंड के ऊपर नहीं रुकूंगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे ये बाद में मुझ पे ये इल्जाम आए कि मैंने इतने बड़े चैनल का और इतनी काबिल जनता का वक्त बर्बाद किया। 30 सेकंड में जा रहा हूँ मैं यहाँ से, आप सुने। स्वागत है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इतना बड़ा हिट गाना हुआ। दोस्तों, इस गाने की खास बात ये थी कि ये गाना नहीं था, साहित्य के मंच पे खड़ा हूँ मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, ये एक नज्म थी। इस नज्म को गाने में बदला गया और हिंदुस्तान ने इस नज्म को इतना बड़ा, इतना मकबूल, इतना कामयाब गीत बनाया। ये इस बात की गवाही है कि हिंदुस्तान साहित्य समझता है, बस उसको सही तरीके से देने की देर है। आज मैं आपको असली नज्म सुनाता हूँ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा का जन्म कहां से हुआ। मैं कश्मीर में था दोस्तों 2001 में, जब मैं ना फिल्मों के गाने लिखता था, ना मेरा फिल्मों से कोई कनेक्शन था। 2001 कश्मीर, डल झील, याद करें, मेरे हाथ में एक कहवा, मैं शिकारे देखता हुआ घूम रहा हूं और मेरे दिमाग में एक लाइन आती है वहां कि ये हरे दरख्तों के पत्ते जब शाखों से गिर जाएंगे, जब शाखों से गिर जाएंगे, जब झील का पानी सूखेगा और सारे कमल कुमलाएंगे, ये वादियां जब सो जाएंगी और आवाजें खो जाएंगी, मेरी जान, मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मेरी जान, मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। वाह। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। क्या बात है। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां मनोज के लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इससे आगे लिखा नहीं हूं मैं, बस यही मुझको ठहरना होगा। अब कहानी का ये तकाजा है, मेरे किरदार को मरना होगा। शुक्रिया। आइए दोस्तों, समय कम है ये कहने में, 5 मिनट लगाने के बाद मनोज ने 10-15 मिनट का काव्य पाठ किया। मैं अब जिनको आमंत्रित कर रहा हूं उनके और मेरे लिए समय लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि और महनीय लोगों को हमें सुनना है। लेकिन इस महफिल में बराबर बराबर की तादाद है, महिलाओं की, लड़कियों की, लड़कों की। और रेहान आरूही पाकिस्तान की एक शायरा मुझे याद आती है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। ये वो दिल्ली है जहां दिसंबर की सर्द रात में एक बच्ची की चीखों ने पूरी दुनिया की नींद को ऐसा जगा दिया था कि सत्ता की बेहोशी उसे खत्म नहीं कर पाई थी। हम सब की पीठ पर उन लाठियों के अभी भी निशान बाकी हैं जो उस आंदोलन में हम सब ने झेले थे। हम सब की रात भर की वो कोशिशें अभी बाकी हैं जिसकी वजह से हम सब लड़े थे कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और एक शेर पढ़कर मैं डॉक्टर सरिता शर्मा, जो स्त्री विमर्श के गीत गाती हैं, अपने नाम के साथ संयुक्त करके उनको बुलाता हूं कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर सरिता शर्मा का। माइक लाने में जो वक्त लगा है वो हमारा नहीं काटा जाएगा जी। अकेली आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हूं यहां पर, तो सिर्फ और सिर्फ आज की औरत की बात, बस 5 मिनट का समय है, पढ़ती हूं। 4 पंक्तियां पहले आप तक पहुंचे हैं, मुझे एहसास कराइएगा कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। वाह, कुछ और सोचा था लेकिन एक गीत पढ़ती हूँ जिसमें आज की औरत, खास तौर से जो कामकाजी औरतें हैं या कोई महत्वाकांक्षा लेकर अपने रास्ते पर बढ़ती हैं, उनकी जिंदगी का सफर कहीं पिरोया हुआ है मैंने। मेरा नाम सरिता है और सरिता का अर्थ हम सब जानते हैं नदी होता है। तो एक नदी की जिंदगी को कुछ पंक्तियों में मैंने पिरोया है, वो रखती हूँ। स्वागत है सरिता जी। निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। किसी पर्वत के अंतर में छिपी बन्नीर का सोता, मिली जो संधि पत्थर में वहीं उद्गम मेरा होता। उछलती चल पड़ी नीचे, बढ़ आया वेग बन झरना, मुझे आगे बहुत प्यासी धरा का ताप है हरना। मेरी गति है मेरा शोधन, तभी निर्मल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। कहीं ऊंचा कहीं नीचा मेरा पथ है बड़ा दुर्गम, कहीं पाषाण खंडों ने लिए अवरोध के परचम, कहीं मिलती धरा बंजल, कहीं फैले हुए जंगल, कभी मैं गांव से गुजरी कहीं मीलों मिले मरुथल, धरा की गोद में गिरती संभलती पल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। और गीत का प्राण बंद पढ़ती हूँ। भारत की स्त्री का मूल चरित्र, मूल भाव शायद इस गीत में, इस बंद में है, सुनेगा। कि मिले अवरोध कितने ही, मुझे रुकना नहीं आता। यहाँ बैठी हुई
सारी महिलाएं रिलेट करेंगी कहीं इन पंक्तियों से, सुनेगा। मिले अवरोध कितने ही, मुझे रुकना नहीं भाता, किसी पत्थर के कदमों में मुझे झुकना नहीं आता। नुकीले पत्थरों को मैं सुघर शिवलिंग बनाती हूँ, नुकीले पत्थरों को मैं सुघर शिवलिंग बनाती हूँ, अकेली राह चलती हूँ मैं, छल छल गुनगुनाती हूँ, कभी गंभीर हूँ रहती कभी चंचल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। मेरा एक नारी और नदी जीवन भर क्या करती है, मेरा तो धर्म है धरती के जीवन को ही सरसाना, जहाँ होकर निकल जाऊं वही आनंद बरसाना, कहीं नन्हा कोई पौधा के कोई पेड़ हो बटका, कोई पशु हो के पंछी हो, मुसाफिर हो कोई भटका, सभी की प्यास समता से बुझाती चल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल। अंतिम पंक्तियाँ, अभी तो दूर है मंजिल जहाँ मुझको पहुँचना है, जहाँ जाकर मुझे सागर की बाहों में सिमटना है, उसी विस्तार में खोकर उसी का अंग बन जाऊं, उसी का रूप ले लूं मैं, उसी का रंग मैं पाऊं, मैं सरिता हूँ समंदर के लिए बेकल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत अच्छे, अपने 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 नाम से परिभाषित करता हुआ गीत उन्होंने पढ़ा। अब केवल दो लोग शेष हैं, जिनमें एक मैं हूं अवशेष और एक विशेष हैं मदन मोहन समर साहब। ये मध्य प्रदेश पुलिस में काम करते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। आप देखिए कितना कठिन काम है, कैदियों पर थर्ड डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। दिलावर फिगार एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं पाकिस्तान के, उनका एक शेर है कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, ये आज तक ने पुलिस वालों को बुलाया ये जाने भाई, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिलों शेरों सुखन में भेजकर सरकार ने, एक कैदी सुबह तक फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। लेकिन वो देश की बात कहते हैं। एक बात कह के मैं मदन मोहन समर को आमंत्रित करता हूं, और वो ये बात है कि लोग कहते हैं कि साहब फला आदमी के बाद कौन, फला के बाद कौन, फला सरकार के बाद कौन, फला पार्टी के बाद कौन। चूंकि मैं राजनीतिक दल में भी काम करता हूं और कविताएं भी लिखता हूं, राजनीति की आयु 5-10 वर्ष है, कविता हजारों सालों के लिए जिंदा रहती है, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन मैं मदन मोहन समर को इस टिप्पणी के साथ आमंत्रित करता हूं कि जिस समय यवनों के आक्रमण के कारण हिंदुस्तान की सारी मनीषा राजवंशों की तरफ देख रही थी, उस समय एक सामान्य महिला अपने आंचल में हिंदुस्तान का सम्राट पाल रही थी, जिसका नाम चंद्रगुप्त था। इसलिए संभावनाएं अनंत हैं और ईश्वर और प्रकृति के सिवा कुछ भी अपरिहार्य नहीं है। आइए इन्हीं दुखती रगों पर उत्साह के चरण रखने के लिए, कविता की पंक्ति रखने के लिए, भोपाल से आपके बीच, झीलों के शहर से आपके बीच मदन मोहन समर आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, मदन मोहन समर। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये घड़ी लगातार चलती जा रही है, इसकी तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत विशिष्ट लोग सामने बैठे हुए हैं, ये युवा तरुणाई बैठी हुई जो काना है, शायद कहीं बांसुरी की धुन में खोई हुई है, इनको बांसुरी के मधुर गीतों की आवश्यकता है। लेकिन बच्चों, तुम ही कान्हा में से कोई ना कोई द्वारिकाधीश भी बनता है जो सुदर्शन चक्र अपने हाथ में रखता है। ये सरहदों के अंदर जब
प्रेम की वंशी बनाते बजाते हैं तो इन्हीं में से कोई हनुमान थप्पा बनता है जो सियाचिन ग्लेशियर की चट्टानों पर खड़ा होकर हिंदुस्तान की रक्षा करता है। आइए मैं हनुमान थप्पा की ओर से हनुमान थप्पा बनाने के लिए आपके बीच में बात करता हूँ, वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ कि धरती की पूरी परिधि पर समवेत स्वरों में गर्जन हो, पाताल व्योम के छितों पर भारत का जय जय वर्धन हो, मन भाव भी हल्लो जन जन का जिस जगह तिरंगा फहराए, श्रद्धा से नयन तरल होवे और शीश नमन में झुक जाए, सीने पर स्वा का भान दिखे, मस्तक पर गहरा ज्ञान दिखे, हम कहें हिंद के वासी तो आंखों में अखिल वितान दिखे, हम कहें हिंद के वासी तो आंखों में अखिल वितान। और एक छोटी सी कविता आपके लिए देता हूँ, मेरे साथ कविता की यात्रा करना, बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक लोग सामने बैठे हुए, एक महत्वपूर्ण चैनल पर सामने खड़ा होकर पूरे देशवासियों को नमन करते हुए कविता सुनाता हूँ आप ही के लिए। समर साहब स्वागत है। झांकना जरा अपने आप में जहाँ मैं कह रहा हूँ, अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है, चलो हवा दो इस चिंगारी को शोलों में ढाल दो, जहां अंधेरों का शासन ने शोला एक उचाल दो, देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहु पाश में, जोशीला अंदाज तुम्हारा, जोशीला अंदाज तुम्हारा, जोशीला अंदाज तुम्हारा, रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान। और यह हिंदुस्तान जवान आपकी तरफ से आना चाहिए, क्या बात है, आपकी तरफ से आना चाहिए, आज तक मैं देश को दिखना चाहिए कि ये बैठी हुई दिल्ली की तरुणाई किस तरह हिंदुस्तान को आज जवान बना दी है, तो थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। दोस्तों कौन है आप, ये युवा शक्ति क्या है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने वाली हिंदुस्तान की शक्ति दुनिया भर में, आइए आपको यात्रा कराता हूँ आप कहाँ कहाँ हैं, न्यू जर्सी या न्यू यॉर्क हो या फिर न्यूजीलैंड हो, रूस कनाडा संघाई या नीदरलैंड इंग्लैंड हो, कोसोवो में बोस्निया में या फिर सूरीनाम में, किया लीबिया को बस में जब भारत के घनश्याम ने, सिडनी पेरिस बोन टोकियो खाड़ी के बाजार तक, जनगणमन की धूम मची है अफ्रीका के पार तक, आसमान के मंगल में भी स्वागत है सत्कार है, चंदा मामा के घर जाने भारत माँ तैयार है, चंदा मामा के घर जाने भारत माँ तैयार है, रोम रोम में भरा पसीना, रोम रोम में भरा पसीना, रोम रोम में भरा पसीना, बुद्धि में विज्ञान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है, पूरे हाथ उठा के थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। और दोस्तों ये बच्चों के लिए फिर समर्पित करता हूँ अपनी पंक्तियाँ, उल्लासित भोर तुम्हारी संजा में उल्लास है, उत्साहित है भोर तुम्हारी संजा में उल्लास है, रातों में संकल्प भरे हैं दोपहरी प्रयास है, कौन बोलता है भारत की तरुणाई में तेज नहीं, सामने वाली बैठी पंक्ति से निवेदन करता हूँ, कौन बोलता है भारत की तरुणाई में तेज नहीं, किसने बोला ये तरुणाई हिम्मत से लबरेज नहीं, कहमत देना नहीं फड़कते इनके बाजू जोश से, ये आंधी की राह रोकते हैं अपने आक्रोश से, देख सको तो देखो इनकी, देख सको तो देखो इनकी, देख सको तो देखो इनकी, थोड़ी आंच खंगाल कर शंकर सा विष्पान करेंगे अपना खून उबाल कर, शंकर सा विष्पान करेंगे अपना खून उबाल कर, पोर पोर में भरी जवानी, पोर पोर में भरी जवानी, सारी देह जुबान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है, थाम तिरंगा। और ये बंद देखना, वाह आपके लिए विशेष बंद देता हूँ बेटा, क्या बात, ये जितने कुमार विश्वास को समर्पित करते हुए, ये कुमार विश्वास के प्रशंसक जो नवयुवक है उनको देता हूँ बंद, स्वागत है। हवा चले तो मिट जाए तुम, लिखा रेत पर नाम नहीं, यायावर हो सांसों के तुम, कोई अर्ध विराम नहीं, कभी सुना है सूरज के रथ का घोड़ा तक चूर हुआ, बाबा कालखंड के लाख थपेड़ों से ध्रुव हटकर दूर हुआ, नन्नी चींटी वजन उठाने से घबराई कभी नहीं, नहीं। वाह, किसी बीज ने मिट्टी में दब जान गवाई कभी नहीं, कभी नहीं,
तख्त मरुस्थल में जिद्दी जड़ हो तो भूखो छेद दे, सीप ढूंढने स्वाति की एक बूंद अतल को भेद दे, कदम कदम में गति असीम, कदम कदम में गति असीम, वाणी में आह्वान है थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान। और अंतिम बंद देता हूं साहब आपके विशेष उत्साह के लिए, कहीं पूरी कविता में कुछ लिया हो या ना लिया हो लेकिन इस बंद को ये नौजवान अगर साथ ले जाए मैं दावा करता हूं कि जिंदगी में कभी अवसाद नहीं आएगा इनको। रोशन रहती है वो बंद जो बड़ा महत्वपूर्ण है, पलकों के नैपथ्य हौसलों ने जब डेरा डाला हो, ये पूरी तरुणाई साथ देना इस बंद में। पलकों के नैपथ्य हौसलों ने जब डेरा डाला हो, रोशन रहती है वो आंखें भले अंधेरा काला हो। तिनका भर विश्वास मनोज, तिनका भर विश्वास डगर को छोड़ भला कब लौटा है, एक किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा है। एक किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा है। छोटे हैं वो जिन्हें दिखाई देती नहीं है चोटियां, खींच तान कर कसो परख लो ढीली कहां कसोटियां। और सबसे कठिन काम तुम्हें 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 गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़कर, तुम्हें गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़कर, सारी रातें रखो जेब में सपने तोड़ मरोड़कर। जनगणमन अभियान हमारा, पूरे हाथ उठे, जनगणमन अभियान हमारा, जनगणमन अभियान हमारा, वंदे मातरम जान है थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। बहुत अच्छे, वाह, एक बार जोरदार तालियां और बजा दीजिएगा। वाह, अब जैसा कि आपको पता है केवल मैं बचा हूं, ये पहले वीरस के कवि सुने हैं मैंने। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। पहले वीरस के कवि सुने हैं जिनकी जिनकी चिंता में आपका उत्साह है। परसों मैं एक कार्यक्रम में था, वहां ऐसा अद्भुत वीरस का कवि था, उसने मुझसे कहा कि आप प्रेम की कविताएं सुना रहे हैं, चीन आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा मैंने इतने सारे दिखे, मुझे तो उनकी एक की आंख नहीं दिखी, तुझे कैसे दिख गई? इस पर भी मुकदमा हो सकता है, जब 87-88 हो रहे तो एक और सही, लेकिन समय की सीमा है और मैं एक नई कविता बिल्कुल सुनाऊंगा जो अभी कहीं नहीं सुनाई है, जो आज लिखी है। जब ये पता चला कि कल कविता पढ़नी है तो मैंने सोचा कि ऐसी जगह पढ़ी जाए जहां से करोड़ों करोड़ लोगों तक बात एकदम सीधे पहुंच जाए, और डेढ़ दिन हो गया खबर भी नहीं मिली तो कुछ तो होना चाहिए। पहली चार पंक्तियां आप सुन लीजिएगा। हाँ वो सुनाऊंगा सुनाऊंगा, पहली चार पंक्तियां सुनिएगा। आजकल रात के समय मैं देखता हूं जब छोटे कस्बों से छोटे गांवों से आए हुए लड़के लड़कियां कॉल सेंटर से लौट रहे होते हैं तो उनकी आंखों में नींद होती है, पैरों में थकान होती है और उन्हें पता नहीं होता है कि वो कौन सा सपना देखने निकले थे और किस सपनों की उहापोह में वो कहीं फंस गए हैं। तो मुझे नींद देर से आती है, मैं अपने घर पर उन्हें लौटता हुआ देखता रहता हूँ। तो पहली बार शायद कॉल सेंटर में काम करने वालों के लिए पहली बार किसी ने कुछ लिखा होगा, मैंने चार पंक्तियां लिखी हैं, आप में से कोई परिचित हो तो उसे जरूर सुनाइएगा। कि मैं तेरे बिन जो सांसें लूं, मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूं। आप सबकी भी वहां मिले। कि मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूं। बेटा तुम्हारी दाढ़ ठीक है लेकिन टाइमिंग खराब है, हमारी भी पंजाब में यही खराब थी। कि मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूं, तेरे घर के हर एक रस्ते को आठों धाम लिखता हूं। दाद मिले। तेरे घर के हर एक रस्ते को चारों धाम लिखता हूँ, शहर जाकर तुझे बस रात की शोखी हुई हासिल, शहर जाकर तुझे बस रात की शोखी हुई हासिल, तो अपने गांव की एक शाम तेरे नाम लिखता हूँ, तो अपने गांव की एक शाम तेरे नाम लिखता हूँ। और पंक्तियां सुनिए। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह करो, स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है,
आखिर मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। कितना सादा है, बहुत सादा लिखना चाहिए। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब पीछे तक हाथ उठाना इस बार, दूर तक। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम कर... पहली लाइन आ रही है, संभाल के वहां करना। इसे सुनने में दिल भी लगाना और दिमाग भी लगाना। सुनो मंच के लोगों, के पुरानी दोस्ती को इस पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। पुरानी दो अगली पंक्ति शायरी की कही है, जरा दाद दे देना। के पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्य मैं बता रहा हूं आपको, आज की रात का सबसे अच्छा सुना रहा हूं। ये षड्यंत्र ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत तोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो तब, मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो तब, मेरे लफ्जों पे मरते थे वो अब कहते हैं मत बोलो। मेरे लफ्जों पे मरते थे पुरानी दोस्ती को। भाई मैं तो शायर आदमी हूं तो मैं कविता में ही बात कर सकता हूं। जब भी कोई बड़ी बेचैनी इस देश में होती है, कुछ नया होने की कोशिश होती है, तो संघर्ष और सत्ता के बीच में क्या संबंध होता है, मैं एक बिल्कुल ताजा गीत सुना रहा हूं और एक लाइन इधर उधर नहीं बोलूंगा, आप गीत समझेंगे सारा। तब कहता हूं कि वे बोले, ये कोई भी, वे सब हैं, हिंदुस्तान की हर राजधानी में वे बैठे हुए हैं, और जब तक वो हिंदुस्तान की राजधानियों में बैठे रहेंगे और ऐसा बोलते रहेंगे तब तक कुमार विश्वास गाता रहेगा। कि वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले दरबार सजाओ। बिल्कुल नया पढ़ रहा हूं, आपकी वाह चाहता हूं। वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ। वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ। वे बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ। वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले दरबार। सुनो कुमार विश्वास सुना रहा है आपको जो कहना चाहता है और आप सुनना चाहते हो। कि वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ। वे बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ। वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, अगली पंक्ति उठा लेना। वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। तालियों की ताल दो। वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले दरबार सजाओ। वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले दरबार सजाओ। वे बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ। वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते। और अगली पंक्ति पर फिर मुझे बताना, मैं दो नाम और पढ़ूंगा इसी धुन में। वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, हम दिन करके वंशज चुप कैसे रहते। हम कबीर के वंशज चुप रह कैसे रहते। पहला बंद सुनिए,
पहले जनता के नाम पर व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, फिर व्यवस्थाओं के नाम पर जनता का बनाया जाता है। बंद सुनिएगा कि वे बोले जो मार्ग चुना था, वे बोले, साहित्यिक लोग बैठे हैं आपकी वाह मुझे फल जाएगी, कि वे बोले जो मार्ग चुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं, वे बोले जो मार्ग चुना था ठीक नहीं था, कवियों सुनो आग है मुझ में अभी जिंदा, कि वे बोले जो मार्ग चुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं, मुक्तिवाही संकल्प गुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं, हमसे जो जय घोष सुना था, हमसे जो जय घोष सुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं, हम सब ने जो ख्वाब बुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं। अब एक पंक्ति पर आपके हाथ खामोश न रह जाए, अगली पर अपने लिए पढ़ रहा हूं, हम सब ने जो ख्वाब बुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं, इतने बदलावों में मौलिक क्या कहते, इतने बदलावों में मौलिक क्या कहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। आप मुझसे ज्यादा डर गए हैं, आपकी खामोशी मुझे खल रही है। अब लाइन सुन के बताओ, हमने कहा अभी मत बदलो, दुनिया की आशाएं हम हैं, हमने कहा अभी मत बदलो, दुनिया की आशाएं हम हैं, वे बोले अब तो सत्ता की वरदाई भाषाएं हम हैं, हमने कहा अभी मत बदलो, दुनिया की आशाएं हम हैं, वे बोले अब तो सत्ता की वरदाई भाषाएं हमने, हमने कहा व्यर्थ मत बोलो, हमने कहा व्यर्थ मत बोलो, गूंगों की भाषाएं हम हैं, हमने कहा व्यर्थ मत बोलो, गूंगों की भाषाएं हम हैं, वे बोले बस शोर मचाओ इसी शोर से आए हम हैं, वे बोले बस शोर मचाओ इसी शोर से आए हम हैं, इतने मतभेदों में मन की क्या कहते, इतने मतभेदों में मन की क्या कहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम दिन कर के वंशज चुप कैसे रहते, हैं महाप्राण के वंशज चुप कैसे रहते। आखिरी बंद सुनिएगा, और मैं जानता हूं कि आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद इतिहास के किसी एक पन्ने के छोटे कोने पर मैं इसलिए याद नहीं रखा जाऊंगा कि मेरी राजनीति कैसी थी, मैं इसलिए याद रखा जाऊंगा कि राजनीति के विचलन पर मैं चुप था या मैं भूला था। तब पंक्ति पढ़ रहा हूं सुनेगा, हमने कहा शत्रु से जूझो थोड़े और वार तो सहलो, याद मिले आखिरी पंक्तियों पर, हमने कहा शत्रु से जूझो थोड़े और वार तो सहलो, वे बोले ये राजनीति है तुम भी इसे प्यार से सहलो, हमने कहा शत्रु से जूझो थोड़े और वार तो सहलो, वे बोले ये राजनीति है तुम भी इसे प्यार से सहलो, हमने कहा उठाओ मस्तक, हमने कहा उठाओ मस्तक खुलकर बोलो खुलकर कह लो, हमने कहा उठाओ मस्तक खुलकर बोलो खुलकर कह लो, बोले इस पर राज मुकुट है जो भी चाहे जैसे सहलो, बोले इस पर राज मुकुट है जो भी चाहे जैसे सहलो, इस गीली ज्वाला में हम कब तक दहते,
हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम कबीर के वंशज चुप हाथ उठाकर, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम दिन करके वंशज चुप कैसे रहते, हैं महाप्राण के वंशज चुप कैसे रहते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आज तक का बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, एक ही शर्त पर, मेरे साथ गाइए सब लोग, के कोई दीवाना कहता है, कोई मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, वागरो सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं दोनों हाथ आकाश में उठाना अगली पंक्ति पर, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इस मंच पर हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।